नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आज मेरे पास है इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम। तो आज मैं इसी इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका यूजेज, डायरेक्शन ऑफ यूजेज यानी कि यूज करने का सही तरीका, इसका साइड इफेक्ट और इस क्रीम से जुड़ा हुआ एक एक जानकारी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से ना छूटे। दोस्तों, ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है, ये एक इंट्रालेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसका जो मेनली कंटेंट है वो है क्लोबेडाजोल, प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन और माइकोनाजोल। ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है, ये ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है और फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये सब छोड़ के भी स्किन रेडनेस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इचिंग यानी कि खुजली में ये इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर किसी का स्किन ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है उसके लिए भी ये इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम यूज़ किया जाता है। ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है, ये सोराइसिस, एक्जिमा, इन्फेक्टेड स्किन ये सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ज़्यादातर डॉक्टर सोराइसिस, एक्जिमा या फिर इन्फेक्टेड स्किन, इचिंग, रेडनेस ये सभी के लिए, अगर किसी पे अगर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर डॉक्टर ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है इस क्रीम को ही रिकमेंड करता है, क्योंकि दाद, खुजली, इन्फेक्टेड स्किन, सोराइसिस, एक्जिमा ये सभी के लिए इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये था इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम का मेन यूजेज। लेकिन इस क्रीम को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक शेड्यूल एज प्रेस्क्रिप्शन क्रीम है। तो डॉक्टर के सलाह के बिना ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है ये मत लीजिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी रहता है। इसका अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये लगाने से जो साइड इफेक्ट ज़्यादातर दिखाई देता है वो है त्वचा में जलन होता है, त्वचा पतला यानी स्किन पतला हो जाता है। ये छोड़ के भी स्किन में दाने पड़ सकता है, एलर्जी टाइप कुछ दिखाई दे सकता है और स्किन में सूजन भी आ सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट इस क्रीम को लगाने से ज़्यादातर दिखाई देता है। अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो और किसी भी तरह साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत इस क्रीम को लगाने से छोड़ दीजिए और डॉक्टर के सलाह लीजिए। ये जो इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ यूज यानी कि यूज करने का जो सही तरीका है वो है टू बी अप्लाइड एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कि डॉक्टर के सलाह के बिना ये जो क्रीम है ये मत यूज करिए, क्योंकि ये एक शेड्यूल एज प्रेस्क्रिप्शन क्रीम है। इस क्रीम को लगाने से पहले जो सावधानी बताया गया है वो है अवॉइड टू विथ आईज एंड माउथ, यानी कि मुंह में और आंख से बचा के इस क्रीम को लगाना चाहिए। ये जो क्रीम है सिर्फ एक्सटर्नल के लिए यूज होता है। इस क्रीम को यूज करने के बाद इसका जो कैप है वो टाइटली लगा के चिल्ड्रेन से दूरी में रखना पड़ेगा। इस क्रीम को काट, घाव, फोड़े ये सभी में लगाना मना है। ये सब इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम का सावधानी दिया हुआ है। तो ये था इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम के बारे में थोड़े से जानकारी। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इंट्रावेक्ट जीएम क्रीम के बारे में अगर कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।